नमस्कार, वेलकम टू द चैनल वी द डेमिगॉड मोटिवेशनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उसी हिसाब से हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आज मैं वही एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा। आइए एक्सरसाइज करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ऐसे लेटना है और अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। घुटनों से लेके गर्दन तक एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फिर नीचे आइए, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाइए और वो स्ट्रेट लाइन मेंटेन करिए अपने शरीर की। ये आप कम से कम 10 बार कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पोजीशन में आना है, अपने गर्दन को चेस्ट की तरफ ले जाना है, आपके कमर में हंप बनेगा। उसके बाद गर्दन फिर ऊपर की तरफ लाइए तो आपकी पीठ में डेंट बन जाएगा। ये भी आप कम से कम 10 बार करिए, इससे आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कमर के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वियर एंड टियर होता रहता है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये भी कम से कम 10 बार आप कीजिए। अगर नहीं हो पाती है, कम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस पोजीशन में बैठना है, उसके बाद आपको अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाना है और बिल्कुल लेट जाना है। उसके बाद ऊपर उठिए, ये आपके शोल्डर्स वगैरह या कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपके ऊपर वाले पोर्शन की, पैरों से ऊपर वाले पोर्शन के पूरे की एक्सरसाइज हो रही है। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सर को नीचे जमीन पे लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सीधा लेट जाइए, पैरों को मोड़िए और पैरों को अपने हाथों से ऊपर उठाइए, सर को अपने पैरों से लगाइए। ये पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी आप कम से कम 10 बार करिए।
शुरू में हो सकता है ना हो आप सही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत फायदा देगी। आपका पूरा शरीर मुड़ जाता है, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, हाथ पैर गर्दन कमर सबकी एक्सरसाइज हो रही है। अगली एक्सरसाइज में सीधे खड़े होइए, हाथों को इस तरीके से बांधिए और नीचे झुकिए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाइए और अपने आप को स्ट्रेच करें। फिर नीचे आइए और नीचे की तरफ झुकिए। आपका पूरा शरीर स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप उल्टे हाथ से सीधे पैर को छुइए और एक फ्लो बनाइए, पूरा फ्लो बनाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जो हाथ ऊपर की तरफ जाता है उस तरफ देखिए, आपका पूरा शरीर मतलब ट्विस्ट हो रहा है, आपकी मोबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सीधे हाथ से उल्टे पैर को छुए, उल्टे हाथ से सीधे पैर को छुए, ये भी 10 दफे आप कर सकते हैं। ये घुटनों की एक्सरसाइज, अपने हाथ को घुटनों पे रखिए और घूमने की कोशिश करिए, घुटनों को घुमाने की कोशिश करिए, कभी लेफ्ट कभी राइट, 10 10 दफे मेरे साथ बने रहिए, एक्सरसाइज बनिए। थैंक यू।